आज का हमारा टॉपिक है नाउन केस। केस को हम कहते हैं कारक। केस का अर्थ होता है कारक। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ केस, की कारक चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस अर्थात कर्ता कारक। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, जो दो भागों में विभाजित किया गया, अक्यूजेटिव केस में एंड डेटिव केस में। ये होता है कर्म कारक, इसको कहते हैं कर्म कारक। थर्ड है पजेसिव केस या जेनेटिव केस, जो होता है संबंध कारक। और फोर्थ है वोकेटिव केस, जिसका अर्थ होता है संबोधन कारक। तो ये चार प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जिसको विभाजित किया गया अक्यूजेटिव केस में और डेटिव केस में, पजेसिव केस या जेनेटिव केस, और फोर्थ है वोकेटिव केस, जिसको हम कहते हैं संबोधन कारक। अब देखिए इसमें हम बताते हैं राम, लव, सीता, तो ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है, या प्रीपोजिशन के बाद भी जो आएगा उसको भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही कहेंगे। नेक्स्ट दिस इज राधाज बुक, तो यहाँ ये पजेसिव केस में अर्थात जेनेटिव केस, यहाँ जब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिव केस। रानी गेव मी अ बुक, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, और ये सेकंड वन ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक्यूजेटिव केस जो होता है इसको कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डेटिव केस होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसको हम कहेंगे डेटिव केस, और ये हो गया अक्यूजेटिव केस। ये एग्जाम्स में आते हैं तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, तो ये इसको संबोधित किया गया है, इसलिए ये वोकेटिव केस है, इसको हम कहेंगे वोकेटिव केस। इस तरीके से है यूज ऑफ पजेसिव केस। बातें करेंगे अब हम कि पजेसिव केस को कहाँ हम यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। पहला है, फर्स्ट रूल है विथ पर्संस एंड एनिमल्स, कि जहां पर्संस और एनिमल है उसके साथ में हम एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, जैसे राम्स हाउस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द हाउस ऑफ राम, दोनों तरीके से ही सही होता है। और जैसे नेक्स्ट है काउज टेल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द टेल ऑफ अ काउ। बट नॉन लिविंग थिंग डज नॉट टेक एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, बल्कि ऑफ से उसको जोड़ते हैं, जैसे द लेग ऑफ अ टेबल, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते टेबल्स लेग, अ टेबल्स लेग नहीं कर सकते, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम ऑफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ कहने का भाव है कि हमें ये पजेसिव केस जो एपिस्ट्रोफी एस है वो कहाँ लगाना है, तो कहाँ लगाना है, एक तो पर्सन के साथ में, दूसरे एनिमल्स के साथ में। नेक्स्ट है विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, की जो ऑब्जेक्ट्स मानवीकरण अलंकार के रूप में यूज किए गए हैं, ऑब्जेक्ट ये पर्सोनिफाई किए गए हैं, उनके साथ में, टाइम के साथ में, स्पेस के साथ में, और मनी के साथ में, जैसे डेथ्स हैंड, यहाँ इसको पर्सोनिफाई किया गया, डेथ को ऐसे शो किया गया जैसे मानव हो, ऐसे नेचर्स ब्यूटी, नेचर को पर्सोनिफाई किया गया, इसलिए हम इसके साथ में नेचर्स ब्यूटी इस तरीके से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ वीक्स लीव, तो यहाँ टाइम को शो कर रहा है, टाइम के साथ में। अ डेज वर्क, एक डेज वर्क टाइम को शो कर सकता है, तो यहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम स्पेस की, ये रेजर्स एज स्पेस को व्यक्त कर रहा है, और निडल्स पॉइंट स्पेस को व्यक्त कर रहा है, और रुपीज वैल्यू मनी को, एंड अपॉन्स वैल्यू यहाँ पर भी है मनी को शो कर रहा है। तो हम जब भी पर्सन एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो पर्सन के साथ में, एनिमल के साथ में, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट थर्ड एंड फोर्थ,
फोर्थ है टाइम के साथ में, फिफ्थ है स्पेस के साथ में, एंड सिक्स्थ है मनी के साथ में। तो इनके साथ हम एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, केस कारक फोर काइंड्स को होते हैं, नॉमिनेटिव कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव कर्म कारक, पजेसिव संबंध कारक, वोकेटिव संबोधन कारक। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं, लेकिन इसको दो तरीके से विभाजित किया गया है, एक्यूजेटिव केस एंड डेटिव केस। एक्यूजेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पजेसिव केस की बात करेंगे कि कहां हम एपिस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं और कहां एपिस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं और कहां हम नहीं कर सकते। वोकेटिव केस होता है संबोधन कारक, इनके एग्जांपल्स दिए कि जैसे सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव केस है और यहां पर पजेसिव केस है, ये डेथ जो ओ डेथ वोकेटिव केस है, संबोधित की गई है डेथ इस तरीके से है, ये सब्जेक्टिव ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं डेटिव केस और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस इस तरीके से। और यूज ऑफ द पजेसिव केस कहां कहां यूज किया गया है, फर्स्ट है पर्सन के साथ में, एपिस्ट्रोफी एस यूज जहां भी हम करेंगे पर्संस एनिमल्स पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट टाइम स्पेस एंड मनी के साथ में ही करेंगे। थैंक यू।